ओके, सबसे पहले सर आपको आलोनी स्तुति में स्वागत करते हैं। थैंक यू। तो सर आज वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में एडवांस क्रिसमस मनाया गया, तो इस प्रोग्राम में आपको स्पीकर रूप में आपको बुलाया गया, तो आप इस प्रोग्राम के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे सर? हाँ, मैं सबसे पहले तो मेरा सौभाग्य है कि ये प्रोग्राम का मैं एक हिस्सा एज ए स्पीकर के रूप में आया हूँ। मैं इसके लिए यहाँ के कमिटी ऑर्गेनाइजर, खासतौर से हमारे अबो हरसेन रहते और हमारे देशी चर्च जो सेक्रेटरी है ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइजिंग का सेक्रेटरी, और उनके जितने भी सहयोगी कमिटी मेंबर्स हैं, सबको मैं तहे दिल से शुक्रगुजार धन्यवाद हूँ। और साथ में हमारा ये सुंदर शहर जो आलो का, मैं भी यहाँ का ही हूँ, यहाँ पर अपने जगह पर आने का एक मौका मिला, उसके लिए मैं दिल से तहे दिल से शुक्रगुजार के साथ बहुत ही खुशी। तो सर आपका तरफ से अभी जितना भी यूथ है, मतलब अभी तो देखा जाए तो जो आने वाला जनरेशन उसमें यूथ ही आगे काम करने, अच्छा चीज़ करने, जैसे क्रिश्चियन में बोलने से भी जो गॉस्पेल है, ईश्वर का मिनिस्ट्री बोलते हैं, तो उसको भी यूथ ही आगे बढ़ाना है सर। तो आपका तरफ से क्या वर्ड ऑफ एडवाइस देना चाहेगा? हाँ, हमारे युवा पीढ़ी के ऊपर में भविष्य हमारे खास तौर से समाज का उद्धार और समाज का प्रगति निर्भर है सर। हर क्षेत्र में हमारा युवा पीढ़ी काम आता है और आना भी चाहिए। ये केवल हमारे क्रिश्चियन का केवल सिर्फ नहीं है, तो हमारे जितने भी युवा पीढ़ी है समाज का, सबको समाज के भलाई के लिए, अच्छाई के लिए आगे आना चाहिए। और हम क्रिश्चियन लोग खासतौर से सुसमाचार को लेके हम जगह जगह को फैलाना, यही हम लोगों का एक मकसद या कर्तव्य बोल सकता है, क्योंकि बाइबल हमें यही सिखाया है कि हम अच्छे संदेश को, सुसमाचार को सारे जगत को सुनाएं, लोगों को ये बताएं कि परमेश्वर एक उम्मीद है, प्यार है, वो उद्धार करता है और परमेश्वर सबको प्यार करता है, ये बात को सबको बताना एक अच्छी बात है। और हमारा युवा पीढ़ी इस काम को बहुमूल्य से और बहखूबी से निभा सकता है, ये मेरा मानना है, क्योंकि युवा पीढ़ी एक ताकत की समय होता है, एक सुंदर पल की एक समय होता है। बाइबल ये बताते हैं कि द ग्लोरी ऑफ द यूथ इज देयर स्ट्रेंथ, हमारे यूथ का, युवा पीढ़ी का सुंदरता उसकी ताकत है, और इस ताकत के एज में, समय में हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं इस समाज के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए, और बहुत से अच्छे अच्छे चीज़ में हम भाग ले सकते हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी को हमारे युवा पीढ़ी आगे लेके जाना है, ये मेरा तरफ से छोटा सा शेयरिंग। थैंक यू सर। थैंक यू।